तो गाइस अभी अंदर गैस बहुत ही ज्यादा बन गई है और गैस के कारण आप देख सकते हैं ये जैसे हमारा कुकर प्रेशर कुकर जैसे सीटी मारता है वैसे सीटियां मार रही है और भाप देखो कितनी तेजी से निकल रही है, बहुत ही ज्यादा गर्म अंदर से ये देख सकते हो। ये है हमारा ट्रेडिशनल फूड है विलेज के अंदर, हम इसे ही बनाकर खाते हैं और के त्यौहार पर। प्रांत है, उंगली है, मुसल है, ठीक है, ये गोमलट है टिंकू का। ये देखो टिंकू बोलता है इसे गोमलट बोलता है। अभी टिंकू हमारा भी नमस्कार आपको, आज गौर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे बाबा है और आज हम बाबा को ढोकले बना के खिलाने वाले हैं। बढ़िया सा बनाना बेटा, ये ढोकले मध्य राजस्थान और हरियाणा में दो जिलों में बहुत तेज मान्यता होती है इसको, पुरानी टाइम का यह चलता आ रहा है। यह त्यौहार है गौर का नाम से, तो उसका ढोकला बनता है। बनाने के लिए इसमें डाला क्या क्या? उसमें डाला जाता है खोपरा डाले जाता है, इसमें अजवाइन डाले जाती है, इसमें सौंफ डाले जाते हैं, ये गुड़ के गुड़ से घोल बनाकर उसको गूंदा जाता है, उसमें फिर उसको बीच में बना बना के और उसमें कोसरा भी निकल जाता है, उससे सीखने से अच्छा बन जाता है। और उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाते हैं, मूंग सुरट भी बना देता है, उखड़ी बनाते हैं और कुंडी घोटा भी बनाते हैं, सब उसको अंदर आ जाता है। तो आपने आज ये बना कर हमारे को खिलाओ, बढ़िया सा, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मेरी माँ है और अभी इस एक पतीले के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर इसको हम देश का बोलते हैं, ये है वो बाजरी होती है ना, बाजरी के सरकंडे होते हैं, इसको तुली भी बोलते हैं बाजरी की। इसको अच्छे से हम साफ कर लेते हैं और उसके बाद में इस तरीके से इसके अंदर ये जताने पड़ते हैं अच्छे से। उसके बाद में ये जो हमने तैयार कर लिए हैं ढोकले हैं, ये इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद में इसको पकाएंगे, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तक ये पकेगा, उसके बाद ये तैयार होगा। और पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा काम की रेसिपी होने वाली है। ज़्यादातर हमारे गाँव देहात में ही ऐसी चीज़ें बनाने को मिलती है, सिटी के अंदर बहुत ही कम चांस मिलेंगे आपको। और जो सिटी से देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, बहुत ही काम की है। और चैत के महीने में मनाया जाता है गौर का त्यौहार। तो अभी फाइनली हमने सारे के सारे ढोकले ना इस पतीले के अंदर अच्छे से जचा लिए हैं और अभी ना हम ये गेहूं का आटा है ये भी इसके चारों ओर लगाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना हवा ना वो बाहर ना निकले, इसके लिए ये सब हम करते हैं। और अभी इसके साइडों में चारों तरफ अच्छे से गेहूं के आटे से हम इसको एकदम से बंद कर देंगे ताकि हवा है वो बाहर ना निकले। और इसको कम से कम आज तो हमें गैस पर ही बनाना पड़ेगा, मौसम ख़राब है इसीलिए, वरना हम इसको चूल्हे पर बनाते, लकड़ी वाले चूल्हे पर। और कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तो लग जाएगा, आप वेट करना और बनने के बाद हम आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं ढोकले, बहुत ही शानदार रेसिपी है ये। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर करना। सो गाइस अब मैं बनाऊंगी गुलगुले और मेरा भाई बनाएगा ढोकले। जाओ आप गुलगुले बनाओ, मैं ये बना लेता हूँ इतने। तो फाइनली गाइस प्लान जो हमारा है वो चेंज हो गया है, अभी कंगना बनाएगी गुलगुले, क्योंकि बाबा के दांत नहीं है मुंह में, इसलिए हमारे बाबा जी है ना गुलगुले अच्छे से खा लेते हैं, बहुत ज्यादा चाव से खाते हैं गुलगुले। और फाइनली हमारा प्लान था गैस के ऊपर बनाने का, लेकिन सिलेंडर की बचत के लिए हमने एक नया उपाय किया है। अभी हम मौसम है ना ठीक हो गया थोड़ा थोड़ा, तो अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको पका रहे हैं ढोकले को, इस तरह से बनती है ये रेसिपी। आप देख सकते हैं चारों मेरे इसके गेहूं का आटा लगाया है, चारों तरफ से इसको बंद किया है और इसके ऊपर 5 kg के बाट हमने रख दिए है। अगर हम इसके ऊपर बाट नहीं रखेंगे ना तो इसके अंदर इतना ज़्यादा गैस भर जाएगा, इतना ज़्यादा गैस भर जाएगा कि ये प्लेट आने ये अपने आप ऊपर आ जाएगी। और पकने के बाद आपको बता देता हूँ हमें पता कैसे चलेगा कि ये पक गया है। पकने के बाद है ना ये जो इसके चारों तरफ गेहूं का आटा लगा है ना, इसके अंदर से ना जैसे कुकर में से सीटी कैसे बजती है वैसे गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये पक गए हैं। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम आधे घंटा या 45 मिनट का।
तो गाइस अभी अंदर गैस बहुत ही ज्यादा बन गई है और गैस के कारण आप देख सकते हैं ये जैसे हमारा कुकर प्रेशर कुकर जैसे सीटी मारता है वैसे सीटियां मार रहा है ये देखो। देख सकते हो आप डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद हमने इसको पतीले का उतारा है और आज मौसम खराब था इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया और आप देखो कितनी तेजी से निकल रही है बहुत ही ज्यादा। ये देख सकते हो ये है हमारा ट्रेडिशनल फूड है विलेज के अंदर हमेशा ही बनाकर खाते हैं और के त्योहार पर। ये देख सकते हो आप बहुत ही ज्यादा इसके अंदर से भाप निकल रही है और भाप के कारण कैमरा भी धुंधला हो गया है। ये आ गया बाहर निकल कर देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। हम देखेंगे इसको पक्का कि नहीं बहुत ज्यादा टाइम लग गया आज हमें और भाप बहुत ही ज्यादा आ रही है ना हाथ जल रही है। ये देखो दो आ गए तो अभी आप देख सकते हैं हमारे विलेज के अंदर रीति रिवाज के अनुसार ये हमने बनाई है प्रांत है सब कुछ बनाते हैं प्रांत है उंगली है मुसल है ठीक है ये गोमलट है टिंकू का। ये देखो टिंकू बोलता है इसे गोमलट बोलता है। अभी टिंकू ना अपने नाना जी के पास गया है तो वो होता तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है इसको खाकर। अंदर का नजारा कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये देखो इस प्रकार से ये विलेज की रेसिपी ना आपने पहले नहीं देखी होगी वीडियो को लाइक कर देना भाई 3 घंटा लगे हमें। तो सबसे पहले हम घर में जब भी कुछ बनाते हैं पकवान तो सबसे पहले हम भोग लगाते हैं और अभी मैं लगा रहा हूँ भोग। भोग लगाने के बाद ही हम खाएंगे तो हम अपने इष्ट देवी देवताओं का भोग लगा देते हैं। अभी मैं पूजा कर रहा हूँ हर रोज हमारे घर में भोग लगता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम कोई खाना बनाते हैं ना तो हम पहले भोग लगाते हैं पहले चढ़ाते हैं उसके बाद ही हम खुद खाते हैं। सबसे पहले आपका प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हम ये ढोकले खा रहे हैं कल बनाए थे कल बारिश के कारण मैं खा नहीं पाया। ढोकला टेस्ट देखते हैं कैसे बनाए कैसे ने आप बहुत बढ़िया बहुत स्वादिष्ट है बहुत जायकेदार है। यह पुराने टाइम का हमने हमारी माता जी खुआती थी और अभी हमारे लड़कियां बनाने लगी है बहुत अच्छा बना है ढोकले। ये ढोकला अपने लड़की को बना रहा है बहुत बढ़िया बनाया आप खाओगे कल खा लिया आपने। वीडियो को बहुत अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना।